एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबर। श्रीगंगानगर में रात भर कोहरा छाए रहने का असर शनिवार को सुबह भी बना रहा। दिन का स्वागत घने कोहरे से ही हुआ। इसी बीच तापमान में गिरावट ने शीतलहर का एहसास करवाया। सूरज भी दिन भर कोहरे की चादर चीर कर बाहर आने का प्रयास करता रहा। धूप छांव के बीच शीतलहर ने आमजन की कंपकंपी छुड़ाए रखी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। ये कल के मुकाबले 4 और 2 डिग्री कम रहा। श्रीगंगानगर में ब्लॉक एरिया से बच्चों को ले जा रही एक स्कूली बस की टक्कर से एक टेम्पो चालक का हाथ टूट गया। दुर्घटना शनिवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सब्जी से लदा एक टेम्पो सुबह आचार्य तुलसी मार्ग से होते हुए सुखाड़े सर्किल की तरफ जा रहा था। उसी दौरान जी ब्लॉक से आ रही स्कूली बस के चालक ने बस मोड़ते हुए पीछे से टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टेम्पो चालक सड़क पर गिर गया। आसपास जमा हुए लोगों ने टेम्पो चालक को संभाला और उसे अस्पताल ले गए। द्वितीय हत्याकांड के आरोपी हेमंत लांबा ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वो शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, जबकि वो शादी का इच्छुक नहीं था। ऐसे में उसे रास्ते से हटाने के मकसद से अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसका कत्ल कर दिया। यही नहीं, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने कैब चालक की हत्या को अंजाम दिया। संगरिया के रहने वाली दीप्ति की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र के रहने वाले हेमंत लांबा को सूरत से गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में धारूहेड़ा थाना पुलिस ने हेमंत को 6 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ की। सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव 7 SGM में अज्ञात लोगों ने ईंटों से ताबड़तोड़ वार करके मजदूर की हत्या कर दी। पुलिस ने बीती रात शव को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में रखवा दिया। आज दोपहर पोस्टमार्टम करवाया गया। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि मृतक संजय यहां शर्मा ईंट उद्योग पर मजदूरी करता था और यहीं रहता था। शुक्रवार दोपहर को संजय सिंह और उसके साथ ही 2 मजदूरों ने शराब पी। ये लोग गांव 7 SGM के कच्चे रास्ते पर नहर की पटरी पर गए और वहां शराब की पार्टी करने लगे। शराब पीने के दौरान तीनों में शराब के रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों मजदूरों ने संजय सिंह के सिर पर ईंटों से वार करने शुरू कर दिए। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में किया गया। इसमें विभिन्न पक्षकारों के प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण किया गया। दोपहर तक कई प्रकरणों का निस्तारण करवाया जा चुका था। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की वजह से न्यायालय परिसर में काफी भीड़भाड़ रही। विभिन्न पक्षकारों के साथ साथ अधिवक्तागण और कई बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में शिरकत की। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट से कर्मचारियों को लेकर लौट रही निजी बस बीती रात दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस चालक सहित 3 जने घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। थर्मल पुलिस चौकी प्रभारी हवलदार बाबूराम ने बताया कि बीती रात करीब 10 बजे निजी बस थर्मल प्लांट के कर्मचारियों को सूरतगढ़ मार्ग टी पॉइंट पर छोड़ने आ रही थी। रास्ते में थर्मल कॉलोनी के निकट चालक सड़क पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को देख नहीं पाया और बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक और 2 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि राजस्व मामलों को अतिशीघ्र निपटाया जाए ताकि आमजन को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि आमतौर पर रास्तों के विवाद को लेकर समस्या आती है, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति रास्तों से संबंधित शिकायत करता है तो उसका प्रकरण तुरंत निपटाया जाए। इसके अलावा कोर्ट से संबंधित मामलों में त्वरित पैरवी करें ताकि समय रहते इन मामलों को निपटाया जा सके। हनुमानगढ़ जिले के गांव लखुवाली में दुकान से घर लौट रही एक नाबालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। महिला थाना पुलिस ने गांव के 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी रमेश माचरा ने बताया कि बालिका अपने गांव लखुवाली में दुकान से सामान लेकर घर लौट रही थी। इसी दौरान गांव के ही सद्दाम उर्फ मकड़ी और हुजूर उर्फ मगर खान ने नाबालिका का रास्ता रोककर उससे छेड़छाड़ की और अपहरण का प्रयास किया। थाना प्रभारी ने बताया कि नाबालिका ने शोर मचाया तो दोनों युवक फरार हो गए। फर्जी चेक देकर 3.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव 18F बड़ा के रहने वाले मलूक सिंह ने रिपोर्ट दी है कि चक 27F कमीनपुरा के रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने उसे 2,70,000 रुपए उधार लिए थे। बदले में सुरेंद्र कुमार ने उसे एक चेक दिया। उसने रुपयों का भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक से संपर्क किया तो बैंक ने चेक को फर्जी बताया। ये चेक प्रचलन में नहीं थे। आरोप है कि सुरेंद्र ने फर्जी चेक देकर उसके साथ 3.25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पल्लू पुलिस ने बीती रात कार में सवार होकर पंजाब की लॉटरी सिस्टम के अंकों पर सट्टा लगाते 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से कार, मोबाइल और 1,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। थाना प्रभारी SI महेंद्र कुमार ने गश्त के दौरान शुक्रवार की रात को ऑटो कार में लॉटरी सिस्टम पर अंकों पर सट्टा लगाते हुए शांतप्रीत, आकाश और पंकज गोयल को गिरफ्तार करके 2 मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ऑटो कार, 14,010 रुपए की नकदी,
63,750 रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। घने धुंध के कारण शनिवार सुबह रोडवेज की एक बस हादसे का शिकार होते होते बच गई। बिंजवाला से वाया सुलेमान हेड जिला मुख्यालय की ओर से आने वाली रोडवेज बस सुबह करीब 9:45 बजे बिंजवाला से रवाना हुई। बनियापुर के पास घने कोहरे के कारण ये बस सामने से आ रही एक पिकअप जीप को साइड देने की कोशिश में सड़क से नीचे उतर गई। चालक ने बस की गति पर नियंत्रण नहीं रखा होता तो बस पलट भी सकती थी। बताया जा रहा है कि बिंजवाला से सुबह के समय ये एकमात्र बस चलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा गंगानगर शुगर मिल्स की ओर से 30-30 करोड़ रुपए के चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेंट किए गए। इस अवसर पर शासन सचिव वित्त राजस्व डॉक्टर पृथ्वीराज, राजस्थान बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक सुखवीर सैनी तथा गंगानगर शुगर मिल्स के महाप्रबंधक केसर लाल मीणा उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए शहर के मुख्य चौराहों पर लगे बधाई देने वाले होर्डिंग्स उतरवा दिए हैं। शनिवार को होर्डिंग्स उतारने की कार्रवाई की गई। बीते 26 नवंबर को नगर परिषद का सभापति बनने के बाद करुणा चांडक के समर्थकों और 30 नवंबर को विधायक राजकुमार गौड़ के जन्म दिवस पर उनके समर्थक ने विभिन्न चौराहों पर लगाए थे। कई दिन बाद भी होर्डिंग्स लगे रहने पर SBT न्यूज ने 11 दिसंबर को खूब हुई बधाइयां, अब तो इन्हें उतरवाओ श्रीमान शीर्षक के साथ समाचार प्रसारित कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। इसके बाद आज होर्डिंग्स हटाने की कार्यवाही की गई। रायसेन नगर क्षेत्र में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे से कई प्रकरण निपटाए गए। इस दौरान एक वर्ष से न्यायालय में विचाराधीन तलाक प्रकरण में राजीनामे के बाद पति पत्नी फिर से साथ रहने पर राजी हो गए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धुमकल रामकस्मा की अदालत में ये प्रकरण का निस्तारण किया गया। प्रकरण के अनुसार कृष्ण राम और रानी के बीच तलाक का प्रकरण 1 साल से न्यायालय में लंबित था। 5 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के बाद दोनों साथ रहने पर सहमत हो गए। श्रीगंगानगर शहर में ई रिक्शा का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये न तो शोर शराबा करता है और न ही धुआं फैलाता है। पर्यावरण हितैषी और इनका किराया कम होने के कारण लोक परिवहन के रूप में ई रिक्शा यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। ये बात ऑटो रिक्शा चालकों को रास नहीं आ रही है। शहर की आबो हवा में जहर घोल रहे ये ऑटो रिक्शा चालक अपने स्टैंड पर ई रिक्शा को जगह नहीं दे रहे हैं। वहीं ई रिक्शा के पास सवारी आने पर भी बैठने नहीं देते। इसके बावजूद 5 से 10 रुपए में ई रिक्शा चालक लोगों को यहां से वहां छोड़ रहे हैं। वर्तमान में शहर में डीजल वाले करीब 4,000 थ्री व्हीलर चल रहे हैं। इनके मुकाबले मात्र 100-125 ही ई रिक्शा सड़क पर नजर आ रहे हैं। फिर भी सवारियां ई रिक्शा को ही प्राथमिकता दे रही हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।